नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यूपी आजमगढ़ से आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह एक वीडियो एडिटिंग का चैनल है जहां पर वीडियो एडिटिंग से संबंधित जानकारी साझा की जाती है। तो अगर आप एक वीडियोग्राफर हैं या वीडियो मिक्सिंग का काम करते हैं या वीडियो मिक्सिंग लैब चलाते हैं या अपने घर पर एक सिस्टम लगा के अपना खुद का वीडियो एडिटिंग करते हैं, खुद ही शादी को शूट करके लाते हैं और अपना घर पे खुद की ही मिक्सिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, हम एक वीडियो एडिटर के साथ साथ में EDS प्रोजेक्ट डेवलपर भी हैं। हमारे यहाँ पे खुद प्रोजेक्ट कंपोज होता है और उसका एक कंप्लीट पैकेज तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को हमारा एक पैकेज है जिसका नाम है सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो। एक ऐसा डेटा है जो मल्टी यूज है। आप इस डाटे का इस्तेमाल करके शादी विवाह की जो वीडियो होती है उसकी एडिटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बिल्कुल ही रेडीमेड प्रोजेक्ट मिलता है आपको, बस कॉपी पेस्ट करते चले जाना है। आप आधे से एक घंटे के अंदर अच्छे से अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं हमारे इस डाटे के साथ में। चूंकि रेडीमेड प्रोजेक्ट बना है, बीट टू बीट काम किया गया है, सारा कुछ बना बनाया रखा है। बस आपको ये चुनना होता है कि भाई हमारी क्या सीन चल रही है, हमको कौन सा गाना वहाँ पे लगाना है। बस उस गाने को आपको क्लिक करना, कॉपी करना, पेस्ट करना है। बस सीन के हिसाब से आपको गाने को कॉपी पेस्ट करते चले जाना है। बाकी सारा चीज़ उसमें इफेक्ट लगे हैं, जगह जगह पर बीट हुआ है, सिनेमैटिक टाइप की चीजें हैं, सब कुछ है। आपको इस डाटे के अंदर हर टाइप की चीजें मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके लिए भी ये डाटा सुटेबल रहेगा। अगर आप शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके लिए ये डाटा सुटेबल होगा। क्योंकि मेरा जो डेटा है दोस्तों, कभी भी एक सिंगल पैक नहीं होता है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बता दूँ कि अगर आप कोई एक डोंगल परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या होता है, जो ये विधि का प्रोजेक्ट होता है जिसको हम लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे बॉडी प्रोजेक्ट भी बोला जाता है इसको। मैं अगर शुद्ध भाषा में बोलूं, मैं एक सरल भाषा में बोलूं कि जो आप लोग किसी भी पार्टी की जो बुकिंग लिखते हैं वीडियोग्राफी करने के लिए, या जो भी आपके वीडियोग्राफर होते हैं जो पार्टी की बुकिंग करते हैं और शादी के दिन जाते हैं, या और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हल्दी मेहंदी ये सब जो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, या जो भी प्रोग्राम होते हैं जिसको आप कैमरे से शूट करते हैं, जिसको आप कवर करके लाते हैं, रिकॉर्डिंग करके लाते हैं, उस प्रोग्राम को मतलब उस शादी के दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान जितने भी सीन आप कैप्चर करते हैं, चाहे हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, जयमाल हो, तिलक समारोह हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी आप कार्यक्रम करते हैं, जैसे बर्थडे वगैरह का प्रोजेक्ट हो गया, या देवी जागरण हो गया, रामायण कथा, कुछ भी जो प्रोग्राम आप कवर करके लेकर आते हैं, तो उसको जो मिक्सिंग किया जाता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस सीन के ऊपर जो गाने इफेक्ट जो भी डिजाइन वगैरह की जाती है, उसको हम लोग विधि का प्रोजेक्ट बोलते हैं, या ऑनलाइन प्रोजेक्ट बोलते हैं, या बॉडी का प्रोजेक्ट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हर एरिया में अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो शादी के दौरान जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, उसकी जो एडिटिंग होती है, उसमें जो गाने वगैरह लगाए जाते हैं, उसी को हम लोग विधि प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप कोई डोंगल परचेज करते हैं तो उसमें एक डोंगल लेंगे तो एक कोई विधि का प्रोजेक्ट ओपन करेंगे ना, तो जैसे भक्ति का गाना हो गया, कोई सगाई का, तिलक का, हल्दी मेहंदी, जो भी होगा। मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि मान लीजिए आपने जयमाल का प्रोजेक्ट ओपन किया और जयमाल के अंदर आप गए, तो आपको मान के चलिए कि मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, ठीक है, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने तुमको शनम चुन लिया, एक इस गाने की बात है। तो अगर आप इस गाने को उसमें देखेंगे तो आपको इस गाने का सिर्फ एक ही वर्जन मिलेगा, मतलब एक ही गाना होगा। लेकिन हमारे डाटे में क्या होता है कि हम कोई भी डाटा देते हैं तो उसके अंदर कैम्बो पैक बना के देते हैं। जैसे अभी हमारा ये डाटा है, इसमें आपको V1, V2, V3, V4, V5 करके मिल जाएगा। अब ये V1, V2 क्या है, एक वर्जन है। जैसे मान के चलिए कि मैंने बता दिया कि अगर आपने एक डोंगल परचेज किया तो आपको एक वर्जन मिलेगा और एक गाने का एक ही गाना मिलेगा, एक ही वैल्यूम मिलेगा, उसमें एक ही डिजाइन होगी। लेकिन हमारे में क्या होता है कि आप चाहे इसको उठाएंगे तो आपको भक्ति से लेके पूरा ऋषभ तक का प्रोग्राम होगा, और इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट मतलब कोई भी एक वर्जन उठाएंगे और पूरी शादी की मिक्सिंग कर लेंगे। और दूसरे को भी उठाएंगे तो आपको यहाँ से भक्ति से लेके, यहाँ पे भक्ति फर्स्ट पे है, ये सब ऊपर जो है मास्टर प्रोजेक्ट हैं ऑल इन वन वाले, ये भक्ति के प्रोजेक्ट हैं, और यहाँ से लेके रिसेप्शन तक का, मतलब हमने 25 पार्ट बनाए हुए हैं, 25 अलग अलग पार्ट बनाए हैं, डिवाइड किया है प्रोग्राम वाइज। जैसे भक्ति का हो गया, सगाई का, तिलक का, बॉय साइड, गर्ल साइड, मेहंदी गर्ल, मेहंदी हल्दी गर्ल साइड, मटकोड़ बॉय, ये जो बॉय साइड का हो गया, मटकोड़ हो गया, हल्दी का, ये चुमाउन वगैरह हो गया, इस लड़की का अलग चुमाउन का सॉन्ग है और लड़के का अलग चुमाउन सॉन्ग है, तो मैंने अलग अलग फोल्डर अलग अलग नाम दिया है। लावा हो गया, जने हो गया, पनकट्टी हो गया, ये जो आपका आम महुआ का प्रोग्राम हो गया जो बिहार साइड में बहुत ज़्यादा चलता है, तो बिहार के तो इसमें जितने भी सॉन्ग हैं सब भरे हैं, वहाँ की जो लोकल प्रोग्राम है, चुमावन हो गया, परछावन हो गया, समधी मिलावन, ये सब जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इस डाटे के अंदर भरे हुए हैं। बाकी
इसमें 80 से 90% जो हिंदी के सॉन्ग हैं, बाकी 10% जो बिहार के साइड का प्रोग्राम है, जो वहाँ का लोकल प्रोग्राम होता है, तो वो सब इसके अंदर रखे गए हैं। तो हमने इस तरह से पूरा कन्यादान, सिंदूरदान, जयमाल, क्लोजअप, डिनर, परछावन, या गर्ल साइड वेलकम, जैसे जब दूल्हा दूल्हा दुल्हन के घर जाता है, परछावन के लिए जो वेलकम होता है, जहाँ पर शमधी मिलावन वगैरह का प्रोग्राम होता है, तो जो मेरी पहली एंट्री होती है लड़की के घर, लड़के की, तो वो जो प्रोग्राम, जो गाने वहाँ पे लगते हैं, वहाँ पे गणेश पूजा भी होता है या परछावन भी होता है, आरती उतारी जाती है दूल्हे की, वो सारे प्रोग्राम इसके अंदर होते हैं। बारात डीजे डांस है, बारात का जो रास्ते की सीन होती है उसके लिए गाने अलग हैं, उसके अलग प्रोग्राम है, शहराबंदी, जब लड़का दूल्हा तैयार होता है, शहरा वगैरह पहनाया जाता है, वो सब चीज़ें इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रोग्राम बाई प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। यहाँ पे आपको मंडप का मंडप रस्म हो जाएगा, जैसे लड़की के साइड भी होता है, जैसे लड़के के साइड इधर इमली वगैरह घोटाया जाता है, उस तरह से लड़की के साइड में भी होता है। तो हम वो मंडप रस्म गर्ल साइड का अलग है, कन्यादान अलग है, सिंदूरदान अलग है, आफ्टर मैरिज, शादी हो जाने के बाद जो गाने वगैरह चलते हैं उसके लिए अलग है, असर धराई मॉर्निंग का जो रस्म होता है कहीं कहीं पे, दूल्हे के लोग सुबह में बैठा के उसको अपना गिफ्ट वगैरह पैकेज देते हैं, घर की औरतें वगैरह सब देती हैं दूल्हे को, तो वो सब जो है असर धराई कहीं पर बोला जाता है, हमारे साइड असर धराई बोलते हैं। बाकी मॉर्निंग रस्म गिफ्ट होता है, सब चीज़ें होती हैं, अलग अलग नाम है सबका। बाकी विदाई है, फिर वहाँ पे गर्ल की एंट्री, जब लड़की लड़के के घर जाती है तो वहाँ पे जो गर्ल की एंट्री होती है उसका अलग प्रोग्राम है, फिर रिसेप्शन का प्रोग्राम अलग है। तो कुल मिला के हमने इसमें 15 प्रोग्राम दिए हैं। तो होता क्या है कि हमारे डाटे के साथ में आपको बैलूम 1 2 3 4 करके पूरा, मतलब कोई भी एक बैलूम उठाएंगे पूरी शादी की मिक्सिंग कर लेंगे। अब है क्या कि इसमें जो अलग अलग डिजाइन है, मतलब इस वर्जन को आप उठाएंगे तो मैंने बताया कि अगर आप जयमाल में जाते हैं तो मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, एक गाना मिल गया, लेकिन आप इसमें भी जाएंगे बैलूम 2 में जाएंगे तो गाना आपको यहाँ पे मिलेगा। हालांकि मैंने इसको अलग नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक मास्टर प्रोजेक्ट है। जब आप जयमाल वाला 16 नंबर का जो ये प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करेंगे अपने एडीएस के अंदर तो आपको वो गाना मिल जाएगा, फिर मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, तो उसमें जो डिजाइन होगी वो अलग होंगे, उसमें जो इफेक्ट होंगे वो अलग होंगे। वही बात है बैलून नंबर 3 में। अब 3 में भी जाएंगे जब 16 नंबर का स्टेज प्रोग्राम वाला करेंगे, जयमाल स्टेज का जब इंपोर्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर भी वो गाना मिलेगा, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, तो आपको वो गाना जो है अलग डिजाइन में मिलेगा, उसमें अलग 3D का इफेक्ट है, उसमें अलग बीट किया गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अलग अलग समय पर बना है और अलग अलग टाइम, अलग अलग इसमें इफेक्ट लगे हैं, अलग अलग काम हुआ है। तो कुल मिला के गाने तो जो MP3 होंगे, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, आपको इन 5ों वर्जन में मिल जाएंगे वो गाना। लेकिन क्या है कि सबके अलग अलग डिजाइन होंगे, अलग अलग तरीके होंगे। कहने का मतलब यह है कि आप एक शादी को 5 एंगल से बना सकते हैं, 5 तरीके से बना सकते हैं, 5ों में अलग गाने वही लगाएंगे, सब में गाने सेम लगा देंगे, लेकिन जो उसके डिजाइन होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। मतलब 5ों कैसेट अलग अलग तरीके से दिखेंगी, अलग अलग उसमें डिजाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जैसे मान चलिए मैं ये कह दूं कि भाई इसमें 5, जैसे मान चलिए आपने 5 अलग अलग कंपनी का डोंगल परचेज कर लिया तो 5ों की अलग अलग डिजाइन हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग काम करने का तरीका होता है, अलग अलग सबकी सोच होती है, अलग डिजाइन होती है, सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, और अलग अलग समय पर अलग अलग आइडिया होती है। तो ये उसी तरीके से चीज़ें हैं, मतलब हमारे डाटे के अंदर आपको कैम्बो पैक मिलता है। तो इससे होता क्या है कि अगर आप किसी शहरी एरिए की शादी की मिक्सिंग करते हैं तो आपको 3D की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें FCP वगैरह होता है। और हमारे डाटे के अंदर सबसे खास बात यह है दोस्तों, देखिए हमारा डाटा बिल्कुल सबसे हटके होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो बैलून नंबर 1 है ये 4K का डेटा, जैसे मैं बोला कि मेरा जो डेटा है वो 4K का, रियल 4K, इसमें कोई फर्जी बात नहीं है कि भाई फुल HD का डेटा है और मैं उसको 4K बता रहा हूँ, नहीं, मेरा डेटा 4K वाला ही है। जो बैलून नंबर 1 है ये रियल 4K का है, इसकी जो फ्रेम साइज है इफेक्ट वगैरह की वह है 3840x2160 की, जो एक नियर अबाउट जो 4K का शुरुआती रेंज होता है वहाँ पर उसका एक फ्रेम रेट हो जाता है, ठीक है। बाकी फुल HD का जो है 1920x1080 है। तो बाकी के जो 4 बैलूम हैं, बैलूम 2 3 4 5, ये जो 4 के 4 बैलूम हैं ये सब जो हैं ये फुल HD के हैं। बाकी का जो हमारा बैलूम नंबर 1 है, जो रियल FCP का डेटा है या टोटली FCP का डेटा, ये रियल 4K, इससे आप किसी भी पार्टी का 4K का आउटपुट दे सकते हैं, एकदम रियल 4K चलेगा, उसमें कोई वो बात नहीं है कि लो फाइल को आप 4K में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, क्वालिटी भी के साथ में क्लियरिटी भी हो गई, ठीक है। उसके बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप इस डाटे का पूरा विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको फोल्डर बॉय फोल्डर हर चीज़ दिखाया गया, मैं फिर भी इसमें थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। बाकी इस डाटे की जो खास बात है वो मैं पहले इसमें बता रहा हूँ, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस डाटे का आपको बहुत गहराई से खंगालना है तो आप जाइए मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो फुल डिटेल वीडियो करके लिंक मिलेगा, उसमें 4 पार्ट का वीडियो है, उसमें पूरी डिटेल में बनाई गई, 1 घंटे का भी वीडियो हो सकता है, 30-35-40 मिनट का वीडियो है, पूरा लंबा लंबा वीडियो, पूरी विस्तार से देख सकते हैं, देख लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता तो मुझे फ़ोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं इस डाटे के बारे में, ठीक है।
आगे मैं सारा कुछ बताऊंगा कि आपको डेटा मिलेगा कैसे, क्या इसके रूल हैं, कितने साल का फ्री अपडेट वगैरह सारा कुछ इसमें हम बता देंगे। अभी हम इस डाटे के जो मेन पॉइंट है उसको बता रहा हूँ, चूँकि कई बार लोग इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वर्जन का मतलब क्या है। चूँकि ये वर्जन वाला रूल आप अगर देखेंगे तो यूट्यूब पर तो मेरे ही वीडियो मिलेंगे आपको, फर्स्ट में कैम्बो पैक के नाम से, कैम्बो पैक मेरे ही डाटे मिलता है। इसके पहले आप कोई भी डाटा वगैरह परचेज करते होंगे, चाहे वो डोंगल बेस पे या विदाउट डोंगल बेस पे, तो सिंगल पैक होता था। मैंने ही शुरू किया है कैम्बो पैक वाला डेटा। मेरा एक डेटा है जिसका नाम है जेड प्रो 9, उसके अंदर 12 वर्जन है। सबसे बड़ा पैक है मेरे स्टूडियो का, सबसे बड़ा पैक है जो 2021 में डाटा मैं लॉन्च किया था। अभी उस डाटे का फ्री ऑफर वाला स्कीम खत्म हो गया, उस डाटे की प्राइस थी 10,500 रुपये। बाकी अभी ये जो डेटा है बिल्कुल नया डेटा है, ये सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो करके, इसमें 5 वर्जन दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला वर्जन रियल 4K टोटल FCP के ऊपर है। एक भी इफेक्ट ऐसा नहीं हुआ कि जो जो 2D 3D का है, सब टोटल FCP के इफेक्ट इसके अंदर लगाए गए हैं। बाकी ये बैलून नंबर 2 जो है, ये भी जो है FCP का है, लेकिन फुल HD का है, पूरा कंप्लीट FCP का इसके अंदर है। गाने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है, किसी किसी वर्जन में गाने कम हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो में गाने की जो अपडेटिंग है वो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बहुत है फिर भी काम से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा सोचना पड़ेगा भाई काम इसमें नहीं हो पा रहा है पूरा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिंदूरदान, कन्यादान, जो मंडप वगैरह का सीन होता है, इसमें 17-17 गाने के आसपास इसमें रखे गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब गाने कम नहीं हैं। बाकी और वर्जन में जाएंगे इसकी बात करेंगे तो इसमें तो गाने आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इस डाटे के अंदर आपको करीब 600 विधि के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, 600 गाने का विधि प्रोजेक्ट मिलेगा। और इसमें भी जो बैलून नंबर 5 है, इसके अंदर भी आपको करीब 500-600 गाने के आसपास का इसमें विधि का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें अपडेट हैं होता है तो अपडेट आगे इसमें बढ़ेगा, सॉन्ग वगैरह बढ़ेंगे, तो ये इसकी खासियत है दोस्तों कि इसके साथ में आपको ग्रामीण एरिया की वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें 3D वगैरह का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, बाहरी फूल पत्ती डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के भरनी पड़ती है। उस अगर आप ग्रामीण एरिया की शादी को सिनेमेटिक लुक दे देंगे तो कस्टमर आके कैसेट आपको फेंक जाएगा, बोलेगा भैया आपने सिर्फ गाना लगाया है, बाकी इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं, वो लाके फेंक जाएगा। और वहीं पर अगर आप शहरी लेवल की बात करें, अगर शहर वाली कैसेट में जो होती है VVIP शादियां होती हैं, अगर उनकी कैसेट में आपने दिल फूल पत्ती बहुत ज़्यादा भर दिया, इफेक्ट भर दिया, तो वो लाके कैसेट फेंक जाएंगे, बोलेंगे भैया आपने क्या कूड़ा कबाड़ा भर दिया। तो होता क्या है कि आपको हमारे इस डाटे के साथ में दोनों टाइप की शादियों की मिक्सिंग का प्रोजेक्ट मिल जाता है, सिनेमैटिक लुक भी मिल जाएगा। जैसे बैलून नंबर 3 जो है, इसमें जो है सुपर 3D सिनेमैटिक FCP HD प्रो, मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा ना तो 3D है, बहुत ज़्यादा ना तो सिंपल भी है, मतलब आप दोनों इस वर्जन को आप दोनों में चला सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये कि बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लेन का चांस बिल्कुल नहीं होगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें 3D बिल्कुल भी नहीं होंगे, बहुत कहीं कहीं होगा, इक्का दुक्का गाने में मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है, उतना चल जाता है। एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा 3D चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस इनसे थोड़ा सा कम 3D चाहिए तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बैलून नंबर 5 का। बाकी ये जो बैलून नंबर 3 है ये एकदम सिनेमैटिक टाइप का है, हल्का फुल्का कहीं पर लगा है वेट के हिसाब से, बाकी ये जो है इसमें भी थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस हिसाब से क्या है कि हमारे डाटे के साथ में आप जा सकते हैं, तो आप हमारे डाटे के साथ में अगर आप जा रहे हैं तो आपको दोनों टाइप की शादियों की एडिटिंग मिल जाएगी, मतलब आप शहरी लेवल की भी शादी आराम से मिक्सिंग कर लेंगे, आपको टेंशन की बात कुछ भी नहीं होगी। हमने उसी तरीके से इसका टाइटल भी डिवाइड किया है, हमारे इस डाटे के साथ में दो टाइप के हमने दे दिए हैं, सिनेमैटिक टाइप के भी दिए हैं और जो है 3D टाइप के भी दिए हैं। उसी तरीके से हमने गाने भी दे दिए, क्योंकि यही तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो टाइटल हर शादी में लगेगा, उनका फैमिली का नाम उम लिखने के लिए, चाहे सिनेमैटिक का कैसेट बने या फिर 3D का कैसेट बने, तो टाइटल सबसे पहले लगता है, उसके बाद सॉन्ग वगैरह लगता है, फिर आपका ये वीडियो एडिटिंग का काम होता है जो जहाँ पे हम विधि का प्रोजेक्ट लगाते हैं। बाकी ये तो चीज़ें जो हैं, बाकी की बाकी जो आइटम है ये तो बाद की चीज़ें, हर जगह पर इन सबका इस्तेमाल नहीं होता है, हाईलाइट वगैरह हर जगह पर चलते नहीं। सिनेमैटिक टाइटल हमने यहाँ पर अलग से दिया, जैसे अगर ये 3D का टाइटल है 3D वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे, 52 टाइटल हमने दिए हुए हैं प्रेजेंट टाइम में आपको मिल रहे हैं, और वहीं पे आप सिनेमैटिक टाइटल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे लगभग 50 टाइटल, सिनेमैटिक टाइटल सब हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट्सअप इनविटेशन वगैरह हो गया, मोबाइल लिस्ट, यहाँ पे व्हाट्सअप इनविटेशन भी आपको मिल रहे हैं 60, और यहाँ पे आपको मोबाइल डिजिटल इनविटेशन भी मिल जाएंगे, जो मोबाइल साइज का होता है, जैसे रील वगैरह टाइप का होता है उस तरीके से होता है। वेडिंग टीजर प्रोजेक्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे लगभग 42 टीजर का प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, और प्री वेडिंग प्रोजेक्ट इसमें भी आपको 49 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए ये सब की इन सब की संख्या थोड़ी सी कम है, इसलिए कम है क्योंकि ये सब हर जगह पे चलते नहीं है, ग्रामीण एरिया में तो बिल्कुल भी इनको कोई पूछता नहीं है, बाकी शहरी ये सब बाकी के आइटम जो शहरी लेवल पे चलते हैं, जो सिनेमैटिक वगैरह का काम करते हैं, जैसे इंस्टा रील का प्रोजेक्ट हो गया था, इसमें भी हमने
करीब 20 के आसपास, 20 उस प्रोजेक्ट के आसपास इसमें हमने दिए हैं प्रोटेट सॉन्ग। जैसे हमने बताया कि हमने सिनेमैटिक टाइप के भी चीज़ें दी हैं, तो ये जो प्रोटेट सॉन्ग है ये सिनेमैटिक टाइप के सॉन्ग होते हैं, ये जो सिनेमैटिक कैसेट लगते हैं उस बनते हैं उसमें। इसमें हमने 32 प्रोजेक्ट दिए हैं सॉन्ग के, जैसे यहाँ पे 3D के सॉन्ग हैं, 120 सॉन्ग हैं 3D के। तो इनका इस्तेमाल करके आप ग्रामीण एरिया की शादी की मिक्सिंग कर सकते हैं, शहरी में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि सॉन्ग वगैरह में 3D ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बाकी हमने दोनों टाइप के दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सॉन्ग दिए हैं 3D का सॉन्ग दिए हैं यहाँ पर, बाकी आपका प्रोटेट सॉन्ग अलग से दिए हैं। सेव द डेट भी हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया हुआ, थोड़ा बहुत का मतलब 18 प्रोजेक्ट हैं, बहुत है उतना। और हमने अलग से लैब इंट्रो लोगो दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कि आपने लैब बनाया है तो सिर्फ शादी वगैरह की मिक्सिंग होगी, नहीं, बहुत सारी एडिटिंग आ जाती है, कुछ फंक्शन हो गया तो वहाँ के लिए हो गया, तो या फिर कोई छोटा मोटा आपको मिल गया, किसी शॉप का उद्घाटन वगैरह है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या हो सकता हो कि आप एक कॉमेडी का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जो बहुत सारा ये सिस्टम चल रहा है, तो बहुत सारी वीडियो हैं जो यूट्यूब पे अपलोड होती हैं, तो उसमें आप अपनी पहचान, एक इंट्रो लोगो देंगे, अपने शॉप का नाम देंगे, अपना एक खुद का जो लोगो होता है जो स्टार्टिंग में आता है, तो हमने इसको अलग से भी दिया हुआ, ये इंट्रो लोगो है, इसमें बस आपका जो भी नाम होगा, स्टूडियो का नाम वगैरह आएगा, बस स्टार्टिंग का लुक होगा, 3D टाइप का है सब कुछ, एक मतलब एक अच्छे ढंग का है, जैसे आप ट्रिफेक्ट वगैरह में आते हैं उस तरीके से इसमें बने बनाए सब रखे हैं, बस आपको वहाँ पर रीनेम ही करना है, और रीनेम भी सब EDS के अंदर होगा, आपको अलग से कोई भी फोटोशॉप वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। EDS प्रीसेट भी यहाँ पे हमने दिए हैं, जैसे बहुत सारे लोग मैनुअल काम करते हैं, हालांकि हमारा एक वर्जन है सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो 1.0, उसमें हमने एक ऑटो मैनुअल का प्रोजेक्ट दिया हुआ, कंप्लीट शादी का दिया हुआ, जो लोग मैनुअल काम करते हैं उनके लिए है, उनको मतलब उनका जो हफ्तों का काम है, जैसे मैनुअल की जो मिक्सिंग होती है वो हफ्तों हफ्तों तक मिक्सिंग होती है एक शादी के कैसेट का, लेकिन जो हमारा वो बैलून नंबर 6 है ना, उसका इस्तेमाल करके आप एकदम, अगर ये लोग मैनुअल में काम करते हैं तो उनके लिए ये वर्जन नहीं होगा, वो लोग हमारा सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो 1.0 वाला परचेज करेंगे, उसकी प्राइस है 12,500 रुपये, उसमें 1.5 साल तक का फ्री अपडेट है, उसके अंदर उनको 9 वर्जन दिया जाएगा, और ये जो डाटा है इसकी प्राइस है 10,500 रुपये, और इसका जो 1 साल का फ्री अपडेट है, और इसमें 5-in-1 रहेगा वर्जन, 5-in-1 के अंदर ही जो भी अपडेट होगा वो उसी के अंदर होगा, इसका वैल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो जिसकी जैसी आवश्यकता है वो लोग उस हिसाब से अपना करें, पैसे का बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 2,000 का डिफरेंट है, तो जिसका जैसा बजट अलाउ करता है वो लोग उसी तरह का डाटा परचेज करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो इफेक्ट वगैरह इसमें सब रखे गए हैं मैनुअल काम करने के लिए, इसको आप इफेक्ट पैनल में इंपोर्ट करेंगे, कलर करेक्शन है, मास्किंग है, बीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको इफेक्ट पैनल से लाना है, अपने वीडियो क्लिप पे छोड़ना है, तो उस इफेक्ट में जो भी शेप बनाया गया होगा, जो भी डिज़ाइन, जो भी स्टाइल दी गई होगी, उसी तरीके से वो क्लिप ऑटोमेटिक उसमें सेट हो जाएगी, उसी तरीके से उसमें लुक दिखने लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे लोग वीडियो एल्बम का काम करते हैं, छोटे मोटे भोजपुरी का जो गाना वगैरह चलता है, या तो उसकी जो एडिटिंग होती है उसमें अपना जो भी एडिटिंग करते हैं, हालांकि इसकी शादी में बहुत ज़्यादा लगता है मैनुअल इफेक्ट, ये सब है मैनुअल के लिए लगता है, लेकिन जो लोग एडिटिंग करते हैं वो कई प्रकार की एडिटिंग करते हैं, तो इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है। बर्थडे का प्रोजेक्ट दिया गया है, बर्थडे सिनेमैटिक टाइटल हो गया, बर्थडे सॉन्ग प्रोजेक्ट हो गया, बर्थडे हाईलाइट प्रोजेक्ट हो गया, बर्थडे टीजर प्रोजेक्ट हो गया। इसका जो विधि का प्रोजेक्ट है इसको हम अपडेट करने वाले हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, इस पर भी काम करेंगे, इसका कंप्लीट पैकेज पूरा अपडेट करेंगे, एक लंबा सॉन्ग पैकेज होगा, करीब 25-30 गाने का एक पैकेज करेंगे। बाकी इधर अंडर हेडलाइन 16 नंबर पे, जो जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है मैनुअल वगैरह काम करते हैं ना, तो मैनुअल वालों के लिए इसकी बहुत खास ज़रूरत पड़ती है, इस तरह का क्लिप चलता है। यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक पट्टी चलती दिखाई देगी जिस पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई ये चीज़ हो रहा है, ये प्रोग्राम हो रहा है। बाकी देखिए सगाई समारोह, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपको सब बनी बनाई मिल रही हैं, बस आपको इसको क्लिप को उठाना है और उठा के आपको रख देना है अपने वीडियो क्लिप के ऊपर, जहाँ पर भी इसको रखेंगे या जिसकी जो भी डिज़ाइन होगी ये दिखने लगेगी, जो ब्लैक एरिया इसमें आपका पार्टी का वीडियो दिखेगा, नीचे ये चीज़ शो होगा, 10-10 सेकंड का एक क्लिप है। तो इस तरीके से पूरे प्रोग्राम का अंडर हेडलाइन बोलते हैं इसको दिया गया है। बाकी यहाँ पे ऑल न्यू इफेक्ट हमने 2023 के दिए हुए हैं, कुछ प्रीसेट जैसे पहले होता था क्या कि ड्रैग एंड ड्रॉप का इफेक्ट लोग पूछते थे कि सर हमको ड्रैग एंड ड्रॉप का इफेक्ट चाहिए अलग से, तो इसमें वो सब चीज़ें रखी हैं। अगर आप कुछ मैनुअल भी अपना बनाना चाहते हैं, अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट हमारे डाटे का परिचय, और अब हम बात करते हैं कि इस डाटे का क्या सिस्टम है। दोस्तों देखिए अब इसकी खासियत मैं गिना दूँ, कुछ बाकी चीज़ें तो दिखा दिया, इसकी सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये है कि डाटा अनलॉक है, ओपन डेटा है, मतलब जैसे कोई डोंगल लेते हैं, तो अगर डोंगल लेते हैं तो एक पीसी अगर आपके लैब में है तो ठीक है, लेकिन आपके पास में दो पीसी है
तीन पीसी है, तो फिर आपको वही, अगर मान लीजिए जिस भी कंपनी का डेटा ले रहे हैं, मान चलिए मेरा ही डेटा लेते हैं, हालांकि मेरे यहाँ कोई डोंगल ओंगल का काम नहीं होता है, हम कोई भी डेटा डोंगल ओंगल पे नहीं देते हैं, ठीक है। चूंकि हमारा खुद का डेटा होता है, मैं खुद की कंपोजिंग करता हूँ और अनलॉक डेटा में देता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में कि जो मेरा डेटा परचेज करते हैं और वो लोग लॉक करके अपना मार्केट में सेल करते रहते हैं। हाँ, उसमें वर्जन कम करते हैं या क्या करते हैं, क्या क्वालिटी कम करते हैं, डाटा कम करते हैं, नाम अलग बदला के देंगे या ऐसे ही नाम से देते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मेरे यहाँ से डेटा अनलॉक ही मिलेगा, चाहे आप वीडियो मिक्सिंग लैब वाले हों या फिर आप एक डोंगल डेवलपर हों और डोंगल का डाटा लॉक करके मार्केट में देते हों, तो आप सभी लोग हमसे डाटा परचेज करते हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का डेटा होता है, इसलिए मैं चाहे जैसे इसको बेचता हूँ कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, तो इसमें क्या है कि अगर आप एक डोंगल वाला डेटा लेते हैं, तो आपको अगर आपके लैब में दो तीन पीसी है, तो आपको तीन बार डोंगल लेना पड़ेगा, दो पीसी है तो दो डोंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना डोंगल का प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, वो लॉक होता है, और ये हमारा जो डेटा है टोटल अनलॉक होता है। आपके लैब में एक दो तीन चार पाँच चाहे जितने पीसी हों, आप इसको बस अपने हार्ड डिस्क में कॉपी करिए, डी पार्टीशन में रखिए और इसको यूज़ करिए EDS के किसी भी सॉफ्टवेयर पे, चाहे EDS 8 हो, EDS 9 हो, EDS 10 हो, चूँकि डेटा अनलॉक है तो आप तीनों वर्जन भी आराम से चला सकते हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इसकी अगली खासियत यह है कि दोस्तों एक कैम्बो पैक है, सिंगल पैक तो है नहीं, एक पैक है नहीं कि मतलब अगर आपके पास कोई एक गाना आ गया आपको पसंद ना लगे या पार्टी को डिज़ाइन आपकी पसंद ना लगे तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं, आपका हाथ खाली, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आपको हमारा एक वर्जन पसंद नहीं है, दूसरा वर्जन पसंद नहीं, तीसरा वर्जन नहीं पसंद है, चौथा वर्जन, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पांच के पांचों डिज़ाइन को ठुकरा दें, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया में डाटा हमारा चलता है, ठीक है। वो अलग बात है कि मतलब बिहार में बहुत ज़्यादा मेरे कस्टमर होते हैं, क्योंकि बिहार का जो लोकल प्रोग्राम होता है वो हमारे डाटे के अंदर मिल जाता है, हो सकता हो कि और किसी कंपनी के डाटे में ऐसा चीज़ ना मिलता हो, क्योंकि वहाँ का जो लोकल प्रोग्राम होता है, चुमावन मटकोड़ का जो सॉन्ग होता है, जनेऊ का जो सॉन्ग होता है, और ये परछावन का, समधी मिलावन का, आम महुआ का, जो वहाँ का पनकट्टी का प्रोग्राम होता है, जो वहाँ के लोकल एक प्रोग्राम होते हैं बिहार साइड के, शारदा सिन्हा मन्ना जी की जो आवाज़ के जो सॉन्ग होते हैं, वो हर हो सकता हो हर डाटे में ना मिलते हों, मेरे डाटे में ज़्यादा वो सब गाने भरे हुए हैं, क्योंकि हमने 10% वहाँ का लोकल प्रोग्राम बिहार का रखा हुआ है, तो इसको लेकर हमारे जो कस्टमर हैं हमारे डाटे को ज़्यादा पसंद करते हैं बिहार में, चूँकि इसके अंदर वो सब चीज़ें, बाकी डाटा हमारा हर जगह पर चलता है, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, यहाँ तक कर्नाटका, केरला, हैदराबाद, ये सब यहाँ तक मेरा डेटा चलता है, जो कि इसके अंदर 80 से 90% जो सॉन्ग है वो हिंदी के भी हैं, और हिंदी का सॉन्ग इंडिया में पूरी हर जगह पे चलता है, यहाँ की बात छोड़िए नेपाल में भी मेरा डेटा चलता है, ठीक है, मिथिलांचल वगैरह में सब मेरा डेटा वगैरह वहाँ पर चलता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई है। मतलब एक एक कैम्बो पैक आप इसको परचेज करते हैं तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आपको घाल मिल करना पड़ेगा, आपको कहीं और से डेटा लेना पड़ेगा तब आपका काम चलेगा, इस मतलब ऑल इन वन है, मतलब एक पैक लेंगे आपका सारा काम चल जाएगा, चाहे आप शहर से बिलोंग करते हो, चाहे आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो, कहीं से भी हो, पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, आपका ये डेटा पूरा चल जाएगा। विदेशों में हमारा डेटा चलता है सुपर अल्ट्रा 4K HD Pro, बहुत सारे कस्टमर हैं जो हमारे इस डाटे को इस्तेमाल कर रहे हैं नेपाल में, तो इसकी और भी खासियत है कि कैम्बो पैक है, और इसके अंदर सबसे बड़ी और बात है, तीसरी खासियत दोस्तों है कि इसके अंदर आपको FCP का इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट मिलता है, वो भी केवल इफेक्ट नहीं, क्योंकि FCP का इफेक्ट तो बहुत सारे कंपनी के डाटे में मिल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे गाने गाने में थोड़ा बहुत एक आध दो इफेक्ट लगाते हैं, लेकिन हमारे इस डाटे के अंदर पहली बात तो FCP के एक नहीं दो वर्जन मिल रहे हैं, एक 4K वाला मिल रहा है, एक Full HD का मिल रहा है, और ये जो FCP का जो वर्जन है ना ये टोटल ही FCP पे है, उसका चाहे बैकग्राउंड इस्तेमाल किया गया वो भी FCP का है, इफेक्ट इस्तेमाल किया गया वो भी FCP का है, इसके जो भी चीज़ लगाए गए हैं सब FCP के ही लगाए गए हैं, चाहे चाहे वॉइस बीट कराना हो वो भी FCP के इफेक्ट से ही बीट कराया गया है, ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। और सबसे इसकी जो टॉप खासियत ये है कि ये डेटा मार्केट में मेरे समझ से नाम तो आज से 5-7 साल पहले भी आ गया था अल्ट्रा 4K के नाम से, लेकिन नाम वाला ये डेटा नहीं, ये रियल 4K डेटा है। रियल 4K का मतलब यह है कि भाई आपको जो इसमें इफेक्ट लगे हैं, जो इसमें बैकग्राउंड इस्तेमाल किए गए हैं वो 4K के लगाए गए हैं, आप 4K का आउटपुट देंगे तो 40 इंच की LCD पर भी आपका जो है फिगर फटेगा नहीं, ठीक है, उससे ऊपर भी जाएंगे थोड़ा बहुत तब भी नहीं फटेगा, लेकिन आप 1920 वाली फ्रेम मतलब Full HD वाली वीडियो को अगर आप 40 इंची या 4K वाली LCD में चलाएंगे तो वहाँ पे उसका पिक्सल खींचेगा, क्योंकि डबल हो जाता है 29 x 38, ठीक है, तो एक लंबा डबल हो जाता है, थोड़ा बहुत रहता तो चल जाता, 24 इंची के LCD में चल जाएगा, 27 इंची में चल जाएगा, 30 इंची में चल जाएगा, लेकिन जैसे आप 4K में टाप जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपका पिक्सल फटने लगता है, लेकिन हमारे इस डाटे के साथ में आपको रियल 4K आउटपुट मिलता है, मतलब रियल 4K का डेटा मिल जाएगा,
और मैं थोड़ी सी बात बता दूं इसके फुटेज की, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें जो है पांच 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 लड़के का फुटेज लगेगा, पांच लड़की का फुटेज लगेगा, पांच कपल का फुटेज लगेगा। और फुटेज की जो लेंथ होगी वो बहुत बड़ी नहीं है, पहले तो मेरे डाटे में एक एक मिनट का होता था, बट अभी ये 20 सेकेंड की है। और उससे भी खास बात यह है कि आपको बहुत झंझट वाला काम नहीं है, आप सीधे सीधे अपना यहाँ पे ऑटो रिप्लेस फुटेज का प्रीसेट बना है। अगर आप 4K में आउटपुट देना चाहते हैं, मतलब 4K की मिक्सिंग करेंगे तो 4K का यहाँ पे प्रीसेट इस्तेमाल करेंगे, अगर आप फुल HD का करेंगे तो इस पर बस डबल क्लिक करना है, वहाँ पर ऑटोमेटिक सारा कुछ खुल जाएगा। आपके जो भी सॉफ्टवेयर होंगे, मैनुअल आपने दिया है, EDS 8, 9, 10 में से किसी को भी आपने दिया है, जो भी होगा, जो भी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरह से Boy 1, Boy 2, Boy 3 करके लिखा मिल जाएगा, बस आपको वहाँ पे सब कुछ लगा है, मार्किंग वगैरह सब लगा है। हालांकि इसका मैंने वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बस आपको अपना फुटेज लाना है, अपने जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसमें से बॉय गर्ल कपल का फुटेज कर लेना है, बस ऑटोमेटिक उसको सारा कुछ बैच एक्सपोर्ट कर देना है। दो दो से एक मिनट के अंदर ही वो सारा फुटेज ऑटोमेटिक इस फोल्डर में रिप्लेस हो जाएगा और सारे प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक ही रिप्लेस हो जाएगा। मतलब घंटों का काम आप सेकंडों में करेंगे, इस डाटे के माध्यम से सारा कुछ है। इसके अंदर आपको काम कैसे करना है, विंडो फॉर्मेट कैसे करना है, विंडो का सेटअप कैसे करना है, और सारे का सारा इसमें डेमो दिया गया है। तो आपको किसी भी एंगल से कोई भी लोचा लफड़ा होने वाला नहीं है, आपको टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अगर डेटा हमसे परचेज करेंगे तो इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, फंसेंगे तो दिक्कत क्या होगी, कैसे कौन सपोर्ट करेगा, हम यहाँ यूपी में बैठे हैं, आप इंडिया में किसी इंडिया के दूसरे राज्य से हमसे डाटा परचेज करेंगे तो हमको सपोर्ट कैसे कौन करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है और नज़दीक में रहता तो वहाँ पे अपना PC लेके चले जाते, वहाँ से इंस्टॉलेशन वगैरह करके आते, उनको वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करा लेते। तो मैं कहूँगा कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। पहली बात, उसके अंदर डेमो पड़ा हुआ है, आप डेमो देख के सारा कुछ खुद कर लेंगे, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमको एनी टाइम कॉल करेंगे, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक कॉल करेंगे ऑफिशियल टाइम पे, तो मैं आपको रिसीव करूँगा, मैं आपका फ़ोन रिसीव करूँगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्यूशन बताऊँगा। अगर बताने से नहीं होगा तो मैं खुद आपके PC को टीम वीवर के माध्यम से या AnyDesk के माध्यम से ले लेता हूँ ऑनलाइन, उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है मैं यहीं से सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल 101% ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे डाटा के साथ में आपको मेरी भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर डेमो पड़ा हुआ है, ठीक है। और मेरे इसी भाषा में, मेरे इसी वॉइस में मेरा खुद का वीडियो बना के डाला हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ों को करना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब मैं बता दूं कि इस डाटे की जो एक्चुअल साइज है, इसका प्राइस क्या है, इसका ऑफ़र क्या है, सारा कुछ मैं बता देता हूँ। दोस्तों इस डाटे को आपको मंगाने के लिए मात्र 10,500 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप डाटा यहाँ से परचेज करते हैं तो इस डाटे की जो प्राइस है वह है मात्र 10,500 रुपये। 10,500 में इस डाटे को आप यहाँ से मंगा सकते हैं। हाँ, 100 रुपये का कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप अपनी हार्ड डिस्क भेजते हैं तो इसमें 100 रुपये का कोरियर चार्ज लगेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क आप पैक करके वहाँ से भेजेंगे तो आप वो हार्ड डिस्क भेजेंगे तो हार्ड डिस्क यहाँ पर रिसीव होगी, हम उसमें डाटा कॉपी करेंगे, फिर आपको जब इधर से हार्ड डिस्क भेजेंगे तो उस वक्त पोस्ट ऑफिस पर हमको पेमेंट करने पड़ेगा। हार्ड डिस्क के वजन के हिसाब से 107 रुपये लगेगा, लेकिन हम कस्टमर को 100 रुपये का चार्ज पे 100 रुपये का चार्ज करते हैं पार्सल का। बाकी अगर हार्ड डिस्क आप यहाँ से परचेज करना चाहते हैं, नई हार्ड डिस्क भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप अपनी हार्ड डिस्क नहीं भेजना चाहते हैं, हार्ड डिस्क यहीं से परचेज करेंगे तो आपको हार्ड डिस्क का पेमेंट प्लस 200 रुपया देना पड़ेगा। पहले 100 रुपया तो पार्सल का चार्ज यहाँ से भेजने का होगा, बाकी जो उसकी जो पैकिंग होती है बढ़िया से थर्माकोल लगते हैं उसमें, 1-1 इंची का थर्माकोल हर साइड से लगता है, गत्ता वगैरह लगता है, इसका कार्टून वगैरह रेडी करके फिर यहाँ से एक पार्सल बढ़िया से पैक करके दिया जाता है, ठीक है। और इसके साथ में आपको 1 साल का फ्री अपडेट मिलेगा। 1 साल कहाँ से गिना जाएगा, मैंने बहुत पहले ही वीडियो में बता दिया था, हालांकि इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2023 से इसकी फ्री अपडेट की काउंटिंग की जाएगी। तो इसकी जो अपडेट की टाइमिंग है वो अप्रैल से चल रही है, बाकी का जितना टाइम इधर बचा रहेगा अगले अप्रैल तक, मतलब 2024 के अप्रैल आने तक इसका बिल्कुल फ्री अपडेट है। जो भी इसके साथ में आपको अपडेट वगैरह होंगे उसका एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। अपडेट हम कई तरीके से दे सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से भी दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते हैं, वहाँ पे उसका डाउनलोडिंग का लिंक वगैरह भी दे देते हैं। तो आपको अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब रखना पड़ेगा, बेल आइकन भी दबा के रखना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ से मिल जाए। ऐसा नहीं कि हम आपको फ़ोन करके बताएंगे कि हाँ अपडेट आया ले लीजिए, ठीक है। तो इसके साथ में 1 साल का फ्री अपडेट मिल रहा है, इसमें बहुत सारे विधि के प्रोजेक्ट अपडेट होंगे, टाइटल अपडेट होंगे, सॉन्ग अपडेट होंगे, वो सब जितने भी अपडेट इसके अंदर किए जाएंगे समय समय पे, और अपडेट देने का टाइमिंग हम सेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप हमको प्रेशर डालेंगे सर हमको अपडेट दीजिए, हमको अपडेट, जो भी अपडेट होगा सबके लिए होगा, हम वीडियो बना के अपडेट पूरा पब्लिक करते हैं।
इस डाटे की टोटल एक्चुअल साइज़ जो है वो दोस्तों 820 GB के आसपास है। तो 820 GB के डाटे को कॉपी करवाने के लिए 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए, या 1 TB की हार्ड डिस्क, कम से कम 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए। बाकी आप 1 4 TB 2 TB जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। बाकी 1 TB की हार्ड डिस्क के साथ में आप लगेगी जिसमें डाटा कॉपी होगा। अब दोनों तरीका है डाटा यहाँ से मंगाने का, आप अपनी हार्ड डिस्क भेज सकते हैं या फिर हार्ड डिस्क अलग से यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 10,500 रुपये इसमें कोई भी हार्ड डिस्क का चार्ज ऐड नहीं है, ये डाटे का चार्ज ऐड है। और डाटे का चार्ज ऐड है और सर्विस का चार्ज ऐड है, मतलब 1 साल का जो फ्री अपडेट वगैरह है सब इसी के साथ में एक ही बार में आपको जमा करना पड़ता है, मात्र 10,500 रुपये। ये 5-in-1 का डेटा है, आपको 5 वर्जन मिलेंगे, 5 वर्जन के अंदर ही अपडेट वगैरह होगा सारा कुछ जो भी होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों में से बहुत हमारे व्यूअर हैं जो इस डाटे को परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी शादी उदी का सीज़न ख़त्म हो गया, तो अभी जितने लोग शूट वगैरह किए हैं तब उनको मिक्सिंग की ज़रूरत है। तो अब नए उनकी पार्टी, उनके जो कस्टमर हैं, उनके जो वीडियोग्राफर हैं, नए डाटे का डिमांड करते हैं, तो उनको नया डाटा परचेज करना चाहिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से एक टिप्स है, जितने भी वीडियोग्राफर हैं, जितने भी वीडियो मिक्सिंग लैब वाले हैं, बहुत लोग इस रूल को फॉलो भी करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं मैं उनको बता दूं, अगर आपको वीडियो वीडियो लैब को अपने सफल बनाना है, अपने मार्केट में सबसे टॉप पे रहना है, ये मतलब एक सफल वीडियो लैब चलाना है, तो आपको हर सीजन में, अगर हर सीजन में ना हो सके तो हर 6 महीने के अंदर, 1 साल में अगर वो भी ना हो पाए, मतलब आप अपने हिसाब से काम के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पे कितना काम आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं हर साल इतना पैसा लगाइए कि आप पैसा कमा ना पाएँ, नहीं, पैसा आप लगा रहे हैं, अगर 10,000 लगा रहे हैं तो कम से कम 1 लाख रुपया कमाइए तब तो ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 लगाया और 15,000 कमाया तो फिर क्या मतलब है, पैसा आप लगा रहे हैं तो कुछ उससे कमाइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक वीडियो लैब, सफल वीडियो लैब चलाना चाहते हैं, तो आपको जैसा कि मैं बताया कि हर तीसरे महीने पे, मतलब हर एक सीज़न में, जैसे आज ये गर्मी का सीज़न ख़त्म हो गया, आप नवंबर दिसंबर का शादी का आएगा, फिर एक बार फिर जनवरी फरवरी का सीज़न आएगा, फिर एक बार आपका यही मई जून वाला, जो अप्रैल मई जून वाला होता है, मान चलिए कि 2-3 स्टेप आप 6 महीने का एक टर्न बना लीजिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता है, तो आप हर 6 महीने में अपने डाटे को अपडेट कर लिया करिए, मतलब डाटा बदल दिया करिए। अगर डोंगल चलाते हैं तो डोंगल बदल दिया करिए, अगर आप अनलॉक डेटा चलाते हैं तो कहीं ना कहीं से उसमें कुछ डेटा, कुछ टाइटल प्रोजेक्ट, कुछ इंट्रो लोगो, कुछ प्रोजेक्ट अपडेट किया करिए। अगर आपके पास ये फैसिलिटी, मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, तो कम से कम हर साल आपको डाटा को अपडेट कर लेना चाहिए, ठीक है। चूँकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो वीडियोग्राफर जुड़े होंगे, 2, 4, 10, 20, 50 जितने भी वीडियोग्राफर जुड़े होंगे, तो वीडियोग्राफर भी देखते हैं कि ये हमको क्या बना के दे रहे हैं, तो वो देखेंगे, वो अगर देखेंगे कि ये 2 साल से एक ही चीज़ हमको रटी रटाई एक ही चीज़ दे रहे हैं, तो फिर वो आपके दुकान को छोड़ देंगे, वो आपकी लैब को छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। कस्टमर को बांध कर रखना है तो आपको हमेशा जो है अप टू डेट रहना पड़ेगा। कस्टमर को नई नई चीज़ दीजिए फिर वो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। अगर आप नई नई चीज़ नहीं देंगे तो कोई दूसरा देगा, तो फिर आप मार्केट में, तो फिर वो कस्टमर आपके वहाँ चले। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सफल लैब चलाना है तो आपको हर साल कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो जितने भी लोग इस डाटे को परचेज करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, चूँकि ये इस डाटे की जो प्राइस थी आज से 2 महीने पहले 12,500 रुपये थी, 13,500 रुपये थी, लेकिन आपको इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, मात्र 10,500 में इस डाटे को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये अनलॉक डेटा है, Real 4 के डेटा, मैंने सारा कुछ इसके बारे में बता दिया, मल्टी यूज़र है आपके लिए, में 2, 3, 4, 5 जितने कंप्यूटर सब में कॉपी करिए, इंस्टॉल करिए, चलाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब इस चैनल पर हम कुछ ना कुछ आप लोगों को ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, एडिटिंग से संबंधित कुछ टिक्स ट्रिप्स भी देंगे, ठीक है। बस जैसे समय मिलता है हम काम शुरू कर देंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप का घंटों का टाइम बचा के कैसे मिक्सिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ वहाँ पे हमने बताया हुआ था, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके पहले वाला जो वीडियो होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।